हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो ये वीकेंड वाला व्लॉग होने वाला है और दीदी का मन था, मतलब मेरा भी मन था, हम दोनों का काफ़ी टाइम से मन है नेपाली थाली खाने का। तो यहाँ पे नियर बाई जितने भी प्लेसेस हैं ना, यहाँ पे वो मतलब ऑथेंटिक नेपाल वाला टेस्ट नहीं। हमने सोचा है कि हम मजनू का टीला जाएंगे एज यूजुअल। तो आई नो यहाँ से मतलब मजनू का टीला मतलब एक कोने से दूसरे कोने जाने वाला वो हो जाता है, बट कोई बात नहीं, टेस्ट के लिए इतना तो हम कर सकते हैं। तो अब निकलते हैं। मच नीडेड रेन गाइस, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है बारिश, बट इट वॉज मच नीडेड। और फिर एज यूजुअल हमने कैब बोर्ड किया और हम निकल चुके थे और रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मतलब कब से ऐसे लग रहा था कि चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में तो था हम एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं, पर व्यू एंजॉय करते करते हम गए। फाइनली हम पहुंच गए थे मजनू का टीला, वहां का ये फेमस फ्लाईओवर। फॉर अ चेंज हमें इस पर साग सब्जी ये सब नहीं दिखा, जो भी पहाड़ी साग सब्जी होती है ना वो यहाँ ये फ्लाईओवर पे लेके बेचते हैं, पर इस बार हमें कुछ नहीं दिखा था। तो गाइस हम आज मजनू का टीला आए हैं, हमारा काफी टाइम से मन कर रहा था नेपाली थाली खाने का, तो इसलिए हम दोनों आए हैं। एक्चुअली इसका ही ज्यादा मन था तो हमने सोचा चलो चलते हैं, वैसे भी सैटरडे है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चेंज लग रहा है हम लोगों को। मे बी अभी दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम, इसलिए ज़्यादा ठेला ये सब नहीं लगा, रेडी ये सब, पर बहुत चेंज लग रहा है। मे बी ये भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम बाद आए इसलिए ऐसे लग रहा हो, बट सही है। कुछ नए नए रेस्टोरेंट ये सब खुल गए हैं यहाँ पर, तो सही लग रहा है। यहाँ का वाइब तो हमेशा ही अच्छा लगता है। तो गाइस हम गेट के लिए कंफ्यूज हो गए थे, हमें लगा था ये क्या हो गया, गेट बंद तो नहीं हो गया, फिर हमें रियलाइज हुआ कि थोड़ा और चलना पड़ेगा। तो फिर हम आ चुके हैं और फिर द वर्ल्ड फेमस थाक थकाली हम पहुंच चुके थे। अगर जो भी दिल्ली में रह रहा है मेरा व्लॉग देख रहा है ना, तो अगर आपको नेपाली खाना खाना है तो यहाँ जरूर जाना। A few moments later. गाइस हमारा खाना आ चुका है, हमने एक और चीज़ का ऑर्डर दिया था बट वो थोड़ा सा डिले हो गया था। और दूसरा ऑर्डर हमारा ये चिकन सौदे को था जो थोड़ा सा लेट हो गया था, और खाने के बाद ये डिजर्ट में खीर भी देते हैं। One eternity later. और पेट भर के खाने के बाद हम फाइनली निकल चुके थे। और इस एरिया में ना आप नीचे बैठ के खा सकते हो और बहुत अच्छा फील होता है, बिल्कुल नेपाली वाइब आता है। नेपाली गाना चल रहा होता है, आप नेपाली खाना खा रहते हो तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ से हम निकल गए थे, कुछ स्नैक्स का आइटम लिया जो नेपाली आइटम्स होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा बट इट्स ओके। और फिर आधे टाइम हम मेट्रो से ही आ गए क्योंकि ट्रैफिक मिलता तो मेट्रो वाज द बेस्ट ऑप्शन। तो हमने चिकन सौते को लिया था, उसको हमने पैक करा लिया और देखो ये पूरा लीक हो रहा है, कह रही है वो पूरा सड़ गया सौते को, पूरा सौते हो गए। और हम पहुंच चुके हैं, अब वापस घर जा रहे हैं। और आज यहाँ का वेदर भी थोड़ा ठीक है, ठीक तो क्या है, इतना ह्यूमिड हो रहा है ना, उससे इतनी चिपचिप वाली गर्मी हो रखी है, पर वैसे थोड़ा सा बेटर है। और अब चलो घर चल के मिलते हैं। मैं ना किसी भी वेदर में खुश नहीं होती, बारिश है तो बारिश, गर्मी है तो गर्मी, मौसम अच्छा है तो मौसम इतना भी अच्छा नहीं है, तो दिल्ली वाले ऐसे ही होते। बात तो सही है। The next day. सुबह हो गया था, सुबह उठ के देखा तो वेदर वैसे ही था, थोड़ा सा ग्लूमी बट सही लग रहा था। फिर मैंने पानी वानी भरा, थोड़ा बहुत काम किया। से आपको रेसिपी का वीडियो आएगा जो दीदी ने बनाया था। फ्रेंड्स तो मैं आज एक रेसिपी लेके आई हूँ, अरबी का पत्ता होता है ना, उसकी मैंने कभी पहले नहीं बनाया, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ आज। तो इसमें मैंने लगभग 4 टेबल स्पून आटा रखा है, चावल का आटा, और 4 टेबल स्पून ही मैंने ये रखा है बेसन। वैसे तो ये उड़द की दाल में बनता है बट अभी कौन बनाएगा उड़द का पेस्ट। फिर इसमें थोड़ा सा हम हल्दी रखते हैं, अब वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो कितना। थोड़ा सा ये गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, ये भी आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हो, और बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन। मुझे जो भी समझ आ रहा है फ्रेंड्स मैं वो रखे जा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं बनाया। और इसमें थोड़ा सा पानी रख लेंगे,
और इसका बिल्कुल ठीक ही बनता है बैटर, ताकि वो अच्छे से हम लगा सके उस पत्ते में। पेस्ट हमारा यहाँ पे रेडी है गाइस, और मेक श्योर कि ये इसका पीछे का जो डंटल होता है ना, ये पूरा कटा हुआ होना चाहिए। एक एक करके हमने पत्ते पे जो पेस्ट बनाया था वो अप्लाई किया, और एक पे एक ऐड करते गए उस पे पेस्ट अप्लाई करते गए, और जितने पत्ते आपको ऐड करने हैं आप कर लो। फिर इसको रोल करके और थोड़ी देर धूप में सुखा दो। तो फ्रेंड्स, हमारा ये मसाला बनके तैयार हो चुका है। इसमें मैंने सरसों डाला है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा लहसुन, हल्दी और लाल मिर्च सब मिक्स करके ही मैंने एक ही साथ पीस लिया है। आधे घंटे धूप में सुखाने के बाद दीदी लेके आई थी, फिर इसको कट कर रही है पीसेस में। इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि इसको हमें थोड़ा सा सेकना होता है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है अब, सेक सेक मैंडेटरी नहीं है ये कि सेकना ही है, हमारा अच्छे से ये सूखा नहीं था इसीलिए मैंने ये सेका। बाकी अगर आपका अच्छे से ये सूख जाता है ना तो ये सेकने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें मैंने प्याज रखा है, अभी प्याज में थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था। प्याज थोड़ा सा लाल हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। गाइस अब ये जब तक तेल नहीं छोड़ेगा जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ओह माय गॉड, कुछ लोगों को खाना बनाने आ गया है गाइस। मेरे दादाजी को अभी भी बोलोगे ना कि डॉली को नहीं आता है कुछ करने, तो वो बोलेंगे हाँ नहीं आता है तो उसको बोलो थोड़ा सीखेगी, काम करेगी, तभी तो आएगा उसको बनाने। उनके हिसाब से अभी भी उसको कुछ भी नहीं बनाने आता, और इसने तो दादाजी को इतने गंदे गंदे खाना बना के खिलाया है, बट उन्होंने कभी नहीं बोला कि खाना अच्छा नहीं है। बाकी एक्सपीरियंस ये खुद ही शेयर करेगी। तो गाइस एक्सपीरियंस ये है कि एक बार तब घर पे कोई नहीं था, कोई मतलब हेल्प के लिए भी नहीं था, और मम्मी ये सब भी बाहर गए थे मतलब। तो उस टाइम पे मुझे खाना बनाना था, और मैं उस टाइम पे स्कूल में ही थी, और मुझे बिल्कुल भी खाना बनाने नहीं आता था। अब जाके मैंने सीखा, जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, तो मतलब मैं ऐसे ऐसे खाना बनाती थी, मतलब मैं खुद खाती थी तो मुझे कैसा सा लगता था। पर मेरे दादाजी कभी भी कंप्लेन नहीं करते थे कि ऐसा बना है, इसमें नमक कम है, नमक ज़्यादा है, ये वो कुछ भी नहीं बोलते थे। तो वही लव ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। थोड़ा ही ग्रेवी खट्टा लगे इसके लिए हमने इसमें आम रख दिए थे, कच्चे आम। साथ में ही हमने पानी रख दिया था करी के लिए, क्योंकि मसाला वो तेल छोड़ गया था। तो अब इसको बॉईल होने देंगे हम थोड़ी देर, फिर उसके बाद जो हमने सेंका था वो पत्ते वो डाल देंगे इसमें, और उसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यार गाइस ऐसा ही रहा हमारा वीकेंड। एक दिन हम लोग मजनू का टीला गए थे, और संडे हमने घर पे ही बिताया। दीदी ने रेसिपी शूट किया था, बहुत ही यम बना था, आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो आप लोग भी कमेंट डाउन करके बताना कि आप लोगों ने वीकेंड पे क्या किया। और टिल देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। ओके जी, बाय।